नमोस्तु महाराष्ट्री, इच्छामी महाराष्ट्री। महाराष्ट्री में MBA पास आउट हूँ और आप हमेशा प्रेरित करते हैं कि हमें नौकरी देने वाला बनना चाहिए, करने वाला नहीं। और मेरे माता पिता इस बात से बहुत प्रभावित हैं, तो उनके भी भाव यही थे कि मैं नौकरी दूँ, करूँ नहीं। तो महाराष्ट्री मेरे जो भी जॉब ऑफ़र आए थे वो मैंने एक्सेप्ट नहीं किए, उसको छोड़ के मैं घर आ गई। और महाराज जी, इस समय को मैं कैसे उपयोग में लाऊं कि मैं अपने धार्मिक और सांसारिक दोनों ही कार्यों को एक साथ अच्छे से कर पाऊं? देखो, जब तक घर में हो तो सबसे पहले अपने घर के कार्यों में दक्षता लाओ। और एक बात को सदैव ध्यान रखो, तुम्हारे माध्यम से मैं सभी युवतियों से कहना चाहूँगा, खास करके पढ़ने वाली लड़कियों को, कि उन्हें गृह कार्यों में दक्षता रखनी चाहिए। उन्हें हमेशा एक बात समझना चाहिए कि मुझे और कुछ बनना है या नहीं बनना, मुझे श्रावक और श्राविका जरूर बनना है। अपने जीवन को इस तरीके से विकसित करना है कि कालांतर में मैं अपने श्रावक श्राविका के धर्म का पालन कर सकूं। आप लोगों को मेरी बात शायद बुरी लगेगी, आपके साथ तो शायद ऐसा नहीं होगा, पर 90-95% लड़कियों को आजकल खाना भी बनाना नहीं आता। बोलो, सही बोल रहा हूँ कि नहीं? तो पढ़ लिख करके क्या करेगी, कैसे अपने श्रावक धर्म का पालन करेगी, चतुर्विध संघ की सेवा कैसे करेगी, कर व्रत संयम के मार्ग में कैसे चलोगे? केवल धन, पैसा और भोग विलासता ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है तो तुम जानो। दुर्लभ मनुष्य जीवन को पाकर अपने आपको कृतार्थ करना चाहते हो, अपने जीवन को धन्य करना चाहते हो, सम्यक रास्ता पकड़ो। तो तुम्हें इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए। जब तक अपने माँ के पास हो ना, एकदम माँ जैसी मास्टरी पालो। और मैं तो लड़कियों से कहता हूँ, घर के कार्य में ऐसी दक्षता रखो कि दुनिया के किसी कोने में हो और किसी त्यागी व्रती को जाना हो, उससे कहा जाए अमुक जगह में, क्या नाम, ईशका नाम है ना तुम्हारा, वो ईशका है, वहाँ तुम्हारी व्यवस्था हो जाएगी। और तुम्हारे पास खबर आए ना कि आज कोई त्यागी व्रती मेरे घर में आने वाला है, तो तुम हर्ष से नाच उठो। अभी तो हाथ पांव ढीले पड़ते, बोलो, है ना? क्या श्रावक धर्म पालोगे? तो ये अपॉर्चुनिटी है ना तुम्हारे साथ। तो ये अपना भाव, अपनी तैयारी इसके लिए अभी से करनी चाहिए, पहली बात। फिर अपने पिताजी के व्यापार में भी तो सहयोग दे सकते हो, अगर समय बचे। दे रही, दो, उसको ग्रोथ दो। और जब तुम्हारा योग लगेगा, जहाँ जाओगे वहाँ देना। घर की आंतरिक व्यवस्था का संचालन करना भी एक बहुत बड़ी जॉब है। मुझे समझ में नहीं आता कि लोग इसे कमतर क्यों आंकते हैं। इसलिए इन सब बातों को गहराई से समझना चाहिए। पढ़ लिख कर योग्य बनना अच्छी बात है, पर नौकर बनने का लक्ष्य रखना सही बात नहीं।